मुख से नहीं की जाती है, कौन सी प्रतिज्ञा जो गीत में अभी बजी, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। बाबा ने कहा जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। हर एक इंडिपेंडेंट अर्थात स्वतंत्र पुरुषार्थ करता है पद पाने के लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम ऊंच पद पाएं। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने लिए जीवात्मा बनते हैं और इनमें प्रवेश कर इनको ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे, ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली है। ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा तो आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। बाबा ने कहा यह भी क्रिएशन है, पहले ब्रह्मा को रचते हैं। बाबा ने कहा विष्णु को नहीं रचते। गाया भी जाता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता है, पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है। यह हर एक बात समझने की है। इनको तमेव माताश्च पिता बाबा ने कहा जाता है, तो वह निराकार है ना, तो साकार में मात पिता चाहिए। तब पूछते हैं मम्मा को माँ है, क्वेश्चन किया बाबा ने, कहेंगे हाँ ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है, ब्रह्मा की कोई माँ नहीं। यह माँ अर्थात ब्रह्मा फीमेल ना होने कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो यह भी पढ़ते हैं, जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे यह भी स्टूडेंट है। कौन? शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि यह सबसे जास्ती पढ़ता है, देखते हो यह बरोबर नज़दीक है। तो पहले किसके कान सुनते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा पहले किसके कान परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं? यह ब्रह्मा सबसे नज़दीक है, तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं, फिर नंबर वार सब बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला एक है। अब यहाँ एक दिन का भी बैठा है बच्चा, 10 दिन का भी बैठा है, 1 महीने का भी बैठा है, 1 साल का भी बैठा है, 5 साल का भी बैठा है, 10 साल का भी बैठा है, 20 साल का भी बैठा है और 100 साल का भी। तो बाबा अपने बच्चों को, एक दिन वाला बच्चा होगा उसको एक दिन वाली ही पॉइंट बाबा बोलता है, और जो पुराने हो जाते हैं उनको फिर पुरानों के आधार से बोलते हैं। बाबा सबके लिए पॉइंट बोलते हैं, लेकिन हमारी इतनी पार की बुद्धि होनी चाहिए कि हम पहचान पाए कि कौन सी पॉइंट बाबा ने मेरे लिए कही है। तो बाबा ने कहा फिर नंबर वार सब बच्चे पढ़ते हैं, भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा। आज जगदीश भाई साहब को याद किया है बाबा ने, क्योंकि बाबा के सबसे प्यारे कुमार बच्चे, राइट हैंड जिसको बाबा कहते थे, जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनवाते हैं, क्योंकि यह शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है और अंग्रेजी में भी होशियार है।
इसको कहा जाता है रिगार्ड। स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं ना। अगर आपसे कोई एक दिन भी ज्ञान में आगे है, एक दिन भी पहले ज्ञान में आया है, तो आपसे क्या हो गया, ज्ञान बड़ा हो गया वो। तो बाबा ने कहा उसका रिगार्ड रखना है। तो फादर को फॉलो करना चाहिए, भले अभी 16 कला नहीं बने हैं, लेकिन नंबर वार तो होते हैं ना। कोई ना कोई भूले बाबा ने कहा सबसे होती रहती हैं, इसीलिए अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना है। जैसे कर्म बाप करते हैं, अथवा मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। तो एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा को भी रिकार्ड, बाबा ने कहा रिगार्ड रखना पड़ता है। लोग कहते हैं कि यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं। तो जो बुद्धिवान बच्चा होगा तो झट कहेगा कि परमात्मा के बच्चे तो सब हैं, तो भाई बहन ही, भाई बहन ही ठहरे। एक पति पत्नी दोनों मंदिर में जाते हैं और दोनों खड़े होकर एक ही लाइन गा रहे हैं कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो जब दोनों गा रहे हैं तो इस नाते से तो दोनों भाई बहन हो गए, दोनों एक ही लाइन तो गा रहे हैं। लेकिन समझने के लिए बाबा कहते हैं इसको बुद्धि से समझना है। बाकी ऐसा नहीं कि भाई बहन बना देते हैं, पति तो पति रहेगा और पत्नी तो पत्नी ही रहेगी। लेकिन सिर्फ अपने अंदर एक कॉन्शियसनेस रखनी है आत्मा की। उससे क्या होगा, हमारे भीतर विकार की जागृति आत्मा के अंदर नहीं होगी। तो बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हुए ना, भाई बहन बनना अच्छा है ना। बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे। बाबा ने कहा वर्षा मिलना है किससे, किससे मिलेगा वर्षा, शिव बाबा से। बाबा ने कहा शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलेगा। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, पवित्र रहने की युक्तियां भी बताते हैं। स्त्री भी कहती है बाबा और पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाए।